नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अवनीत सिंह और स्वागत है आप सबका मेरे चैनल एविसिम फिटनेस में। गाइस, आज मैं आपके लिए प्रोडक्ट रिव्यू लाया हूं एवोल्यूशन न्यूट्रिशन का 100% वे प्रोटीन, ईवीएल भी जिसे बोला जाता है। ये गाइस यूएसए का ब्रांड है एवोल्यूशन न्यूट्रिशन और बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर ब्रांड है यूएसए में। इंडिया में फ़िलहाल इस ब्रांड के बारे में कई लोग नहीं जानते। गाइज, ये जो बेसिकली प्रोडक्ट है, मैंने एक और रिव्यू डाला था ईवीएल का 100% वे का, उसका प्राइमरी सोर्स जो था उस प्रोडक्ट का वो वे प्रोटीन आइसोलेट था। इस प्रोडक्ट का प्राइमरी सोर्स वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट है, वो ब्लैक कलर का टब था, ये वाइट कलर का टब है गाइज। सो गाइज, डिफरेंस यही है कि बेसिकली वे प्रोटीन आइसोलेट जहाँ पे प्राइमरी सोर्स हो जाता है तो प्राइस का डिफरेंस आ जाता है और सर्विंग्स का भी डिफरेंस आता है, और थोड़ा सा लाइट शेक बनता है वे प्रोटीन आइसोलेट जिसका प्राइमरी सोर्स होता है, और जहाँ पे वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट आपका आ जाता है वहाँ पे थोड़ा सा कार्ब्स और लैक्टोस आपको हाई मिलते हैं और थोड़ा सा शेक जो है वो थिक बनता है। सो गाइज, इस प्रोडक्ट में आपको 25 ग्राम प्रोटीन मिल जाएगा, 6 ग्राम इसमें ब्रांच चेन अमीनो एसिड्स हैं, 5 ग्राम ग्लूटामाइन आपको मिलेगा और ग्लूटेन फ्री प्रोटीन है ये। आपके सामने डबल रिच चॉकलेट फ्लेवर का टब अवेलेबल है। इसके अलावा इसमें काफ़ी फ्लेवर्स आते हैं जैसे वनीला, कुकीज़ एंड क्रीम, स्ट्रॉबेरी, काफ़ी इस तरह के जो है फ्लेवर्स अवेलेबल हैं इस प्रोडक्ट में। तो चलिए गाइज, हम इस प्रोडक्ट के सप्लीमेंट फैक्ट्स देखते हैं, उसके बाद इसके प्राइसिंग के बारे में आपको बताऊँगा मैं। जहाँ तक इस सप्लीमेंट फैक्ट्स की बात की जाए तो इसका एक स्कूप 43 ग्राम का है, सर्विंग्स पर कंटेनर आपको 42 मिलेंगी, जिसमें अमाउंट पर सर्विंग कैलोरीज होंगी 160, कैलोरीज फ्रॉम फैट होंगी 25, 3 ग्राम इसमें फैट होगा, 1.5 ग्राम सैचुरेटेड फैट है, 50 mg आपको कोलेस्ट्रॉल इसमें मिलेगा, 11 ग्राम इसमें कार्ब्स हैं, तो कार्ब्स ऑन एन हाई साइड है गाइस, ये आप देख सकते हैं। 1 ग्राम इसमें आपको डाइट्री फाइबर मिल जाएगा, 2 ग्राम शुगर है इसमें, 25 ग्राम आपको इसमें प्रोटीन मिलेगा। सो गाइस, 43 ग्राम के स्कूप में आपको 25 ग्राम का प्रोटीन मिल रहा है, यानी जो प्रोटीन की बायोअवेलेबिलिटी है वो आप कह सकते हैं काफ़ी लो है, अराउंड 59% है, लेकिन डेफिनेटली हाई ऑन कैलोरीज और कार्ब्स। अगर आप पोस्ट वर्कआउट लेना चाहते हैं तो अलग से आपको कोई कार्बोहाइड्रेट का सप्लीमेंट लेने की ज़रूरत नहीं है, ये प्रोडक्ट भली भांति आपको जो है हेल्प करेगा। इसमें आपको साथ में कैल्शियम मिलेगा 126 mg, आयरन 2 mg, इसमें 200 mg सोडियम है और पोटेशियम आपको मिलेगा 297 mg। सो गाइज, ओवरऑल प्रोफाइल की अगर बात करें, इसमें आपको डिसेंट अमाउंट ऑफ फैट मिल रहा है, अच्छी खासी कैलोरीज मिल रही हैं 160। सर्विंग्स इस टब की थोड़ी सी लो हैं क्योंकि जो स्कूप का साइज़ है वो काफ़ी हाई है, प्रोटीन की बायोअवेलेबिलिटी कम है, लेकिन कार्ब्स की मात्रा हाई है। तो जो लोग गाइज एक्टोमॉर्फ हैं और जिनको कार्ब्स हाई चाहिए अपनी डाइट में, तो ये प्रोडक्ट वो यूज़ करके देख सकते हैं। एंडोमॉर्फ के लिए मैं कहूँगा कि आप अगर एंडोमॉर्फ हैं तो डेफिनेटली एक आप आइसोलेट प्रोटीन को चूज़ कीजिए जहाँ पे वे प्रोटीन आइसोलेट उसका प्राइमरी सोर्स हो, और मेसोमॉर्फ जो है गाइज वो भी इस प्रोडक्ट को यूज़ करके देख सकते हैं। जहाँ तक गाइज इंग्रेडिएंट्स की बात की जाए तो बेसिकली इसका प्राइमरी सोर्स वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट है और वे प्रोटीन आइसोलेट इसका सेकेंडरी सोर्स है, और एक ये ब्लेंड है कॉन्सेंट्रेट और आइसोलेट का। गाइज, मैंने काफ़ी वीडियोस में बताया है वे प्रोटीन की जो फर्स्ट फॉर्म होती है वो वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट होती है, देन उसे प्योरीफाई करके उसमें से कार्ब्स लैक्टोस वगैरह रिड्यूस करके उसे वे प्रोटीन आइसोलेट में कन्वर्ट किया जाता है, जो कि काफ़ी फास्ट डाइजेस्टिंग और प्योर फॉर्म कहलाती है। देन अगेन उसे प्योरीफाई करके हाइड्रोलाइज वे प्रोटीन में कन्वर्ट किया जाता है, जो कि सबसे प्योरेस्ट फॉर्म है और सबसे लाइट फॉर्म मानी जाती है। सारे कार्ब्स फैट सब उसमें से निकाल दिए जाते हैं और सबसे महंगी फॉर्म होती है वो, क्योंकि जितनी ज़्यादा प्योरीफायर फिल्ट्रेशन के थ्रू आपकी फॉर्म निकलेगी वे प्रोटीन की, उतनी ज़्यादा महंगी हो जाएगी। ज़्यादा गाइस सजेस्टेड यूज़ की बात की जाए, आप 30 मिनट्स प्रायर टू ट्रेनिंग इसे यूज़ कर सकते हैं या फिर पोस्ट वर्कआउट आप इसे यूज़ कीजिए। 1 राउंडेड स्कूप आप 6 ओजी ऑफ कोल्ड वाटर में लीजिए, 6 ओजी आपका अराउंड 240 ml वाटर हो गया। आप पोस्ट वर्कआउट इसे वाटर में यूज़ कीजिए, बिटवीन मेजर मील्स आप स्किम मिल्क में या फिर आलमंड मिल्क में भी ले सकते हैं इसको। गाइज, इस प्रोडक्ट का जो शेक है काफ़ी थिक बनता है क्योंकि इसका स्कूप साइज़ काफ़ी हैवी है, 43 ग्राम का है और वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट इसका प्राइमरी सोर्स है। एंड गाइज, जहाँ तक प्राइसिंग की बात की जाए तो ये प्रोडक्ट गाइज एविसिम फिटनेस पे अवेलेबल है 4000 rupees का, 4000 rupees का 4 lbs का टब डबल रिच चॉकलेट में। अगर गाइज आप ये प्रोडक्ट परचेज करना चाहें तो एविसिम फिटनेस को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। एंड गाइज, जो ब्लैक टब है एवोल्यूशन न्यूट्रिशन का 100% वे प्रोटीन का, जिसमें कि प्राइमरी सोर्स वे प्रोटीन आइसोलेट है, वो टब भी 4 lbs का अवेलेबल है चॉकलेट एंड वनीला फ्लेवर में 4900 rupees का एविसिम फिटनेस पे। अगर आप वो प्रोडक्ट परचेज करना चाहें तो डेफिनेटली एविसिम फिटनेस को आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। उस प्रोडक्ट का इंडिविजुअल रिव्यू ऑलरेडी मैं अपने यूट्यूब चैनल पर डाल चुका हूं, आप चेकआउट कर सकते हैं। सो गाइस, इस सप्लीमेंट रिव्यू में इतना ही। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। मैं इसी तरह के सप्लीमेंट रिव्यूज, अनबॉक्सिंग वीडियोज, कंपैरिजन वीडियोज और टेस्ट वीडियोज अपने चैनल के माध्यम से आप सबके लिए लाता रहूंगा।
So thanks for watching my video guys. See you next time.